हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मशहूर स्टार अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार ने अपनी मुसलसल फ्लॉप होने वाली फिल्मों के बारे में बात की है। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी फ्लॉप फिल्मों और खुद पर तनकीद पर रद्दअमल जाहिर किया है। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। एक्शन स्टार अक्षय कुमार अपनी कैरियर की बेशुमार फिल्में दे चुके हैं। ताहम अक्षय कुमार एक तवील अरसे से एक हिट फिल्म के ख्वाहिशमंद है। अक्षय कुमार की बैक टू बैक कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो रही हैं। अक्षय कुमार को मुसलसल फ्लॉप फिल्में देने पर तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। अब अक्षय कुमार ने अपनी फ्लॉप फिल्मों से लेकर अपनी तनकीद तक की मसाइल पर बात की है। आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार ने अपनी नाकामी का क्या रद्द अमल जाहिर किया है। अक्षय कुमार ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये जरूरी है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो या फ्लॉप हो, उन्हें तनकीद की भी परवाह रहती है। अक्षय कुमार ने कहा है कि मेरी ज़िंदगी में नशे व फराज आए हैं। एक आम बात यह है कि जब सब कुछ अच्छा होता है तो हर कोई तारीफ करता है, और जब ऐसा नहीं होता तो ये लोग आपके तसव्वुर से कहीं ज़्यादा तनकीद करते हैं। मैं एक इंसान हूँ और अच्छा महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे अपने टैलेंट पर फ़ख्र है और मैं इससे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हूँ। जो चीज़ मुझे आगे बढ़ाती है जो वो वही ख्वाहिश है जो मैंने काम के शुरू करने के लिए पहले दिन की थी। मुझे काम करना पसंद है और कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता। ऐसी मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है।